हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग भाई। आज की मॉर्निंग थोड़ी सी अलग सी है और अच्छी भी लग रही है। आप लोग को भी दिख रहा होगा ना, धूप नहीं है। जी हाँ, धूप नहीं, लेकिन धुआं धुआं बहुत है क्योंकि सब लोग अपने यहाँ पे ना वो सब जला रहे हैं इस समय, जो भी वो पत्ते वत्ते जो भी था। कल आंधी तूफान खूब आई थी रात में, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, तो मौसम बड़ा सुहाना हुआ पड़ा है। थोड़ी थोड़ी धूप है, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं। सो अच्छा मौसम है और आज अच्छा दिन भी है। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने नानी के घर। हाँ जी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा पा रही हूँ, पहले ज़्यादा दिन के लिए जाने वाली थी। अरे बाप रे, मुझे लग रहा बारिश आने वाली बहुत तेज़, तो पहले ये कपड़े निकाल लूँ। कल भी रह गया था काम मेरा, हम लोग कहीं गए थे, फिर आते आते देर हो गई, तब कुछ टल जाता तो टल ही गया, फिर मुझे मन नहीं किया कि ऊपर आऊँ। थक गए थे हम लोग बहुत घूम घूम के। तो बस अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा निकाल के कुछ अच्छा सा नाश्ता करने, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा है ना। बारिश नहीं है लेकिन ना थोड़ा सा ठंडक है मौसम में, बड़ा सुंदर लग रहा है। और पीछे मेरे देखिए इतना अच्छा बैकग्राउंड है, चिड़ियों की आवाज़, आह हाँ शांति। तो इस माहौल में कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बनता है ना, तो बस वही नाश्ता करेंगे अभी हम लोग चाय के साथ। मतलब देखिए पीछे बैकड्रॉप कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्लाउड्स में छुप गए हैं सूर्य देवता और अच्छा खासा एकदम माहौल सा हो गया है। और ये सुबह देखिए सब हमारे यहाँ, ये है हमारी गांव की सड़क जो कि एकदम चहल पहल से आज है। पता नहीं, आज सबकी छुट्टी है तो सब खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और मंदिर में हो रहे हैं। अखंड रामायण का पाठ चल रहा है कल से। अरे ये भगवान, देखिए सूर्य की किरणें ऐसे तीर रही हैं बादलों में से, और वहाँ देखिए सब जगह धुआं 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 दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रही है धुएं से। और भाई नवरात्रों के दिन में हमारे यहाँ पे बहुत व्रत वाले आइटम बन रहे हैं। व्रत नहीं है आज हमारा, फिर भी बन रहा है हमारे यहाँ साबूदाना वड़ा नाश्ते में, और यह है चटनी की तैयारी। चलिए पीते हैं चाय और पकौड़ा खाते हैं। पकौड़ा तलते तलते हमने बना ली एक क्रीम, और युवान सिंह भी उठ गए हैं। बोलो गुड मॉर्निंग। आज ये सोए हैं 9 बजे तक, फिलहाल बज रहे 9, इसलिए हमने भी बहुत आवाज़ नहीं किया था, यार टूट जाएगा बेटा ये सेल्फी स्टिक लेके ना मेरे सामने, बेटा नहीं, वरना तो ये भी 7 बजे से उठ के बैठ जाते थे। हमने आवाज़ एकदम शश करके बनाया सब कुछ कि भाई आवाज़ ना आए। चलिए चाय पीते हैं और पकौड़ा खाते हैं। देखिए भाई गरम गरम साबूदाना वड़ा एंड क्रिस्पी एकदम डुम डुम डुम। चलो खाते हैं चटनी के साथ और करते हैं चाय के साथ चीयर्स। कि भाई नाना आ गए हमको लेने। तेजस, ये है मेरी मौसी का छोटा बेटा, रीना मौसी जो है मेरी। तो ये देखिए धूप में ये लोग खेल रहे हैं। अरे भाई धूप में नहीं खेलो, कैप पहन लो, बच्चों को क्या ही धूप। यहाँ नाना बैठे हैं बागा। ये युवान क्या है ये, व्हाट इज दिस, इनको अभी यही कार चाहिए थी ना। वाह, हम लोग शाम को जाएंगे तब हम करेंगे। शाम नहीं, निकल पड़े ना नाना के घर, हम लोग ड्राइव पे जाएंगे। बागा भैया है ना घर पे, मामा। भाई गांव आके ना मैं ये वाली ककड़ी बहुत मिस कर रही थी, मेरे नाना इतने दिन का से मिल नहीं रही थी। मेरे नाना का तो ईशान यहाँ पे बोले जा रहे हैं युवान से फ्रेंडशिप। अरे मैं ईशान नहीं हूँ, सॉरी तेजस। ये इतने आप सेम लग रहे हो ना अभी। मैं कह रही थी कि भाई ये जो ककड़ी है ना ये गर्मियों में मिलती है, मुंबई में तो बहुत कम मिलती है, लेकिन इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट होता है। इतने दिन से मिल नहीं रही थी, आज मिली है। मैं नाना वहाँ पे देखिए अभी ले रहे हैं सब्जी घर के लिए, मैंने कहा ये ककड़ी दो पहले, अभी मैं खाती हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, पहले खाती हूँ। मेरे नानू हाउस आ गया। हाँ, देखो एक गेस्ट हाउस है और एक हम लोग का हाउस है और एक बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन, ये तेजस के भाई है ईशान, युवान के एक और मामा। खाओ खाओ खाओ, हम लोग पहुंच गए मेरी नानी। नानी हेलो। ये देखिए नानी काट रही है जो ककड़ी अभी मैं लेके आई, बट उतनी अच्छी नहीं है, नानी कह रही है ना कड़क कड़क है, कड़क कड़क है। तो बाकी सब लोग, ये मेरी मौसी है रीना मौसी। खाओ खाओ खाओ, ये युवान पार्ट टू है खाना खाने में। ये युवान, ये कैक्टस बड़ा अच्छा है भैया।
can copy sounds. Yeah. Hello. I'm gonna dance. Yeah. Oh my god. युवान को मजा आ रही है इनके खेल के. चलो अब खा लो पहले. ये बच्चा पार्टी देखिए. अरे युवान आप ये बॉल से खेल पा रहे हो? युवान को तो नहीं आता सीजन बॉल से. स्लोली करना, उसको नहीं आएगा. आराम से गाड़ी पे लग जाएगा, वही तो कह रही हूँ. मत करो, गाड़ी पे लग जाएगी. युवान उसको ना पता नहीं है. हटा लेने दो तुम लोग, नहीं तो गाड़ी तोड़ देंगे. वाओ. सो युवान आर यू हैविंग फन? यस. सो द हूज हाउस इज दिस? दिस वन. बोथ हाउसेस? हूज हाउस? नो, थ्री. मेरे नानी का घर है. माई नानी हाउस. हाँ भाई, ये नानी के घर, मतलब मैं यहीं पे बॉर्न हुई हूँ. देखिए मेरे बाल पूरे लूज हो गए हैं. और ऑलमोस्ट 2.5, मतलब मेरा मुंडन उंडन सब हो के मैं यहाँ से गई थी. यहाँ पे भी देखिए, कहाँ भी आज तो नहीं, बाद में जाऊँगी. ये गांव का भी सैर आपको नेक्स्ट व्लॉग में कराऊँगी. आज ऐसे हम रिलैक्स मोड पे हैं. अभी मेरी नानी जा रही हैं कुछ नाश्ता बनाने, तो हम नाश्ता खाएंगे. अभी रुको, गाड़ी कितना अच्छा लग रहा है देखिए यहाँ पे. रबर बॉल से खेलने नहीं हो रहा है तो ये अलग मस्ती करे. बेटा गिरोगे. युवान कम डाउन. ये प्यारा सा खटोला है युवान. सो क्यूट इट इज ना. दिस इज फॉर अव्यान बेबी. अभी वो कल आएगा, स्मॉल बेबी है वो भी. आपका मामा ही लगेगा युवान. बट वो आपसे छोटा है. उसको सिलाएंगे इसके ऊपर, मसाज करके. युवान सिंह आ गए अपने गार्डनिंग ड्यूटी करने. बेटा तुम लोग यहाँ खेल रहे, फिर लग ना जाए युवान को और तेजस को. कितने अच्छे अच्छे सब यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं. वाह, हर एक अलग अलग ही है. पूरा ऐसे लाइन से पूरा मेरे नाना ने खूब सजाया है. हम भी करेंगे बहुत जल्द. अरे युवान अभी तेजस को दे दो भाई. देख ये लड़का है बदमाश, जिसकी बाइक आ रही है सबके साथ जा रहा है लड़का. बाय युवान. इसीलिए तो इसको गांव में अच्छा लगा. ए नानी आपकी फेवरेट बेटी कौन है? ये आपका फेवरेट बिटिया? अरे हम बड़े सब हो भैया. हमारे नीतू है, सस्सी है, लीसा है, पांचों जने के तक मान. लेकिन इधर रीना मौसी बोल रही है कि इनकी फेवरेट बेटी कौन है? नीतू मौसी, जो जो अभी आने वाली है. और उनकी तैयारी में नानी बहुत बोले जा रही है, मग भर के उनको चाय दिया जाए, क्योंकि मेरी मौसी का उपवास है 9 दिन का. अब उनका बाकी चाहिए पानी. नानी का मन कर रहा है क्या क्या बना दें, क्या खिला दें सबको. लेकिन थोड़ी मेरी नानी इस बार वीक वीक हो गई है, सेहत से मजबूत है. नहीं तो मेरी नानी एकदम डेंट पेंट है. बस अब कुछ दिन में अब्रोवर के लिया तक एकदम चंगी मंगी हो जाएगी एकदम. चलो देखते, शायद नीतू मौसी आ भी गई. हाँ आ गई. ये आ गई नानी की फेवरेट बेटी नीतू सिंह. नीतू सिंह आ गई. अभी अंदर लड़ाई हो रही थी कि नीतू मौसी नानी की फेवरेट बेटी है. देखिए 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 प्यार, बेटी का प्यार. हाँ देखा, अभी तक कैसे शांति से बैठी थी, अभी फट से उठ के आ गई नीतू मौसी से मिलने के लिए. मेरे नाना की सवारी सुबह सुबह निकल पड़ी. नाना को मेरे बहुत शौक था पहले से ही. पहले 3 बुलेट थी, अभी बुलेट हैवी हो गई है तो बुलेट हटा दी गई. जी गुड मॉर्निंग. एंड यहाँ पे थोड़ी मॉर्निंग लेट कर दी मैंने भाई. इस समय बज रहे हैं 9:30, लेकिन अच्छा लग रहा है. आराम से सोए आज हम लोग. काफ़ी दिन गप्पे मारते मारते इतने लेट हो गई थी कि क्या ही बताएं. खूब आराम से भी सो के उठे हैं. आज मेरी जो मामी आने वाली, जो छोटू सा मेरा भाई है, जिसको मिलने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे भाई, उसी का मुंडन का फंक्शन है. अब सब लोग बोल रहे हैं रुकने के लिए, अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ, देखते हैं क्या करते हैं. देखिए घर में पूजा पाठ हो रही है. मेरी मौसी जी 9 दिन नवरात्रि भूखी हैं तो अपना खूब पूजा पाठ करती हैं. और हम आ रहे हैं थोड़ा सा टहलने, विटामिन डी की अपना डोज पूरा करने. चाय शाय पियेंगे. और आज आपको मैं थोड़ा मेरे नानी का गांव दिखाती हूँ. ये आम कितने सारे आ गए छोटे छोटे. इस समय हम लोग जल्दी आ गए. जनरली हम वेकेशंस में आते थे मई
के टाइम पे जब पहले आते थे छोटे थे तो ये सारे आम खूब अच्छा था, बड़े बड़े हो जाते थे, अमरूद होता था तो हम लोग खूब खाते थे। ये थोड़ा जल्दी वाला फेज आया है लेकिन गर्मी अब बहुत बढ़ गई। अब मई में तो हम पता नहीं, एक बार आया था तो इवान बहुत बीमार हो गया था तो तब से मैं अवॉइड ही करती हूँ। और ये सब घर भी सब बदल गए, अब तो गांव जैसे लगते भी नहीं है। पर हम चलेंगे ज़रूर, आज आपको हमारे नानी के गांव का टूर कराएंगे और भी कुछ कुछ जो भी होता रहेगा आपको पता ही चलेगा। चलिए अंदर चलते हैं, पहले तो पूजा वूजा हो गई है तब कुछ पेट पूजा की जाए। और युवान अभी भी सो रहा है, अच्छे से तीनों बंदर नाव नाव कर रहे हैं। कौन सा गाना गानी नानी? ये गाना गाया जा रहा है हमारे अव्यान सिंह के लिए। छोटू जोर से बोलो नानी, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ये मेरी मामी भी रिकॉर्ड कर रही है, जहाँ जहाँ अभी वहाँ वहाँ फोन। अरे वाह, तो भाई मैं तो आ गई नानी के घर से अपने घर वापस, लेकिन इस बार नानी के घर पे मैं कुछ व्लॉग उतना नहीं बना पाऊँ क्योंकि बिजी थे हम लोग खेलने कूदने बातें करने में। मैं दो ही दिन के लिए तो गई थी, उसमें कितना व्लॉग क्या ही करती। पहले दिन तो कुछ कुछ आपको दिखा भी दिया है, इसे दूसरे दिन का भी सब क्लिप्स मिक्स विक्स करके मैंने एक व्लॉग बना लिया कि कुछ आपको झलकी दिख जाएगी नानी के घर की भी, लेकिन मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और मैं बहुत दिन रुकी भी नहीं क्योंकि युवान बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं वापस आ गई वहाँ पे ना खेलने खेलने में ही, और मुझे बहुत डर लगा था कि उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो मैं दो ही दिन में वापस आ गई थी। फिर नवरात्रि भी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर चले जाएंगे, फिर कभी ठंड में आएंगे, ठंड में दिखाएंगे सरसों के खेत। ये सब खूब मस्त लगता है नानी के यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लगता है, नानी के गाँव में ज़्यादा बढ़िया लगता है, एकदम घर के पीछे ही है सब कुछ। सो वो व्लॉग भी आपको कभी ना कभी तो देखने मिलेंगे ही, तब अच्छे से डिटेल में आपको नानी के घर का व्लॉग बताऊँगा। चलिए फिर नानी के जो गांव का जो ब्लॉग है वो यहीं करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।